Hello and welcome kids once again to your SST classes of grade 4. And in this part of the video kids, I am going to explain the keywords plus book exercises of chapter number 10 that was about mineral resources. Okay, so the keywords which I am going to explain that is present in page number 85 of my SST book. So let's see what are the keywords. So the very first keywords is ores, O-R-E-S, ores. So what is the meaning? A naturally, N-A-T-U. R-A-L-L-Y, naturally occurring, O-C-C-U, R-R-I-N-G, occurring, a naturally occurring solid material from which metal or other valuable minerals may be extracted, E-X-X-T-R-A-C-T-E-D, extracted, extracted means to be taken out. तो ओर्स वो नेचुरली अकरिंग सॉलिड मटेरियल है. मेनली ओर्स जो होते हैं वो पत्थर के फॉर्म में होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ रॉक्स. ठीक है, तो एक नेचुरली अकरिंग मतलब कि प्राकृतिक रूप से फाउंड आउट होने वाले, अकरिंग मीन्स प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सॉलिड मटेरियल है, जिसमें से कि मेटल या किसी कोई भी अदर वैल्यूएबल मिनरल्स को हम निकाल सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उस नेचुरली अकरिंग सॉलिड मटेरियल में से. क्योंकि जो मिनरल्स होते हैं या जो मेटल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आयरन, मैंगनीज, एल्यूमिनियम, गोल्ड, वो उस सॉलिड मटेरियल के साथ मिक्स्ड होते हैं, प्रेजेंट होते हैं इन द इम्प्योर फॉर्म, एंड दोज आर नोन एज मिनरल ओर्स. ओके, सो ओर्स जो है एक नेचुरली प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सॉलिड मटीरियल है, जिसमें से कि मेटल या कोई भी अदर वैल्यूएबल मिनरल्स को, खनिज पदार्थ को निकाला जा सकता है. एक्सट्रैक्टेड मीन्स टू बी टेकन आउट. नेक्स्ट माइंस, एम आई एन ई एस, माइंस. एंड एक्सकेवेशन, ई एक्स एक्स सी ए वी ए टी आई ओ एन, एक्सकेवेशन. एंड एक्सकेवेशन इन द अर्थ फॉर एक्सट्रैक्टिंग मिनरल्स. माइंस क्या होता है? जब हम पृथ्वी के अंदर कोई होल करते हैं, बड़ा सा डीप इनसाइड द अर्थ हम कोई गड्ढे करते हैं, जिससे कि हम मिनरल्स को टेक आउट कर सके, निकाल सके पृथ्वी के अंदर से. So that hole is known as mines. उसे हम holes का synonym यहाँ पर excavation है. Okay, we can call it excavation also. तो an excavation in the earth मतलब पृथ्वी में किया गया वो गड्ढा, वो hole, जिससे कि minerals को निकाला जाता है, take out किया जाता है from inside the earth. So that hole is known as mines and it is very deep. वो बहुत गहरे होते हैं. Next is the oil field. Areas where oil is found. Oil field are those particular areas where the oil is found. And this oil, which kind of oil it is being talked about here? It is the mineral oil or crude oil or the petroleum. Okay? So, aise places and basically these are besides the seabed. ज़्यादातर ये जो oil fields हैं, वो समंदर के नीचे स्थित हैं. ठीक है? Deep inside the oceans or deep inside the seas, in the soil bed of the oceans. The oil fields are situated. तो oil field मतलब जहाँ वो areas, वो places जहाँ पे जो mineral oil है वो पाया जाता है. Next is the minerals. Resources hidden inside the earth. Hidden का मतलब छुपे हुए. ऐसी संपदाएं, resources means जो संपदाएं हैं, जो प्राकृतिक रूप से हमें मिली हैं. ठीक है, जो resources हैं, जो स्रोत हैं. तो minerals ऐसे resources हैं जो पृथ्वी के नीचे छुपे हुए हैं. एंड दे आर द नेचुरली अकरिंग मिनरल्स. वो प्राकृतिक रूप से, नेचुरली प्रोसेस से बने हैं और नेचुरल वे में वहां पाए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ मिनरल ओर्स. ओके, नेक्स्ट इज द डिपॉजिट्स. अ लार्ज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट हैज फॉर्म्ड नेचुरली अंडरग्राउंड. डिपॉजिट्स का मतलब बहुत बड़े अमाउंट में, लार्ज अमाउंट मीन्स ऑन अ लार्ज क्वांटिटी, ऑन अ लार्ज स्केल. The large amount of substance that has formed naturally underground. Underground means below the earth crust. तो पृथ्वी के नीचे naturally तरीके से जो substance, जो minerals बने हैं और जिन जो large amount में, in a large quantity, in a large number, they are present. So those are known as deposits. D-E-P-O-S-I-T-S, deposits. A large amount of substance that has formed naturally underground. मतलब जो नेचुरल प्रोसेस से धरती के नीचे बने हैं और लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट हैं, तो उसे हम बोलते हैं डिपॉजिट्स. नाउ आई हैव टर्न्ड द पेज एंड नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू द बुक एक्सरसाइजेस व्हिच इज गिवन इन पेज नंबर 86 ऑफ माय एसएसटी बुक. बट बिफोर दैट लेट्स हैव अ क्विक रिवाइज
फ्रॉम द लेटेस्ट रिवाइज सेक्शन. सो एन एक्सकेवेशन इन द अर्थ फॉर एक्सट्रैक्टिंग मिनरल्स, दैट इज द माइंस. ओके, मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, मिनरल्स को टेकआउट करने के लिए धरती में एक एक्सकेवेशन, खुदाई करनी पड़ती है, डीप होल्स बनाने पड़ते हैं, जिन्हें कि हम माइंस कहते हैं, और उस प्रोसेस को माइनिंग कहा जाता है, जिससे कि मिनरल्स को डग आउट करके धरती से बाहर निकाला जाता है. वी यूज दीज मिनरल्स टू मेक अ वराइटी ऑफ आर्टिकल्स. आर्टिकल्स मीन्स गुड्स, थिंग्स और सब्सटेंसेस. तो हम इन मिनरल्स का कहाँ यूज करते हैं, तो वराइटी मीन्स अ लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीजों को बनाने में, आर्टिकल्स को बनाने में वी यूज दीज मिनरल्स. नेक्स्ट, आयरन इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल ऑफ दीज मिनरल्स. So out of all these minerals which we have studied about the metallic as well as non-metallic minerals, about the metallic minerals like iron, copper, gold, and about the non-metallic minerals like coal, petroleum, limestone, etc. So among all these, iron is the most useful of these minerals. Iron is used on a very wide scale, on a large scale, in construction purpose, in the making of steel, in the making of other machineries and tools, part. Okay, so iron is having a widespread use. Coal is the main source of power generation. generation in our country. जो coal है, I have told you so many times that coal is being used in the thermal power station to produce thermal electricity. Coal is burnt and that energy is being used to rotate the turbine and to generate electricity. तो जो कोल है वो मेन सोर्स ऑफ पावर जनरेशन है, मतलब ज्यादातर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है हमारी कंट्री में, तो कोल इज बीइंग यूज्ड फॉर दैट. नेक्स्ट इज द मिनरल ऑयल और पेट्रोलियम इज फाउंड डीप अंडर द ग्राउंड इन वेल्स. जो मिनरल ऑयल है या पेट्रोलियम है, या इसे हम क्रूड ऑयल भी कहते हैं, रॉक ऑयल भी कहते हैं, सो मेनी नेम्स इट इज इट हैज गॉट. तो ये कहाँ पाया जाता है, डीप अंडर द ग्राउंड, पृथ्वी के बहुत अंदर में, बहुत गहराई में ये पाया जाता है, इन वेल्स, उसे हम कहते हैं ऑयल वेल्स, तेल के कुएं. एंड इट इज मेनली सिचुएटेड और लोकेटेड और फाउंड अंडर द सी बेड, समंदर, ओशंस के तली में, ठीक है, जो बॉटम लेयर ऑफ द ओशंस होते हैं वहां पे पाए जाते हैं ये. सो मिनरल ऑयल और पेट्रोलियम इज फाउंड डीप अंडर द ग्राउंड इन वेल्स. नेक्स्ट, मिनरल्स सच एज मैंगनीज, MANGANESE, 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 bauxite, 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 mica, copper, gypsum, GYP, SUM, gypsum, and limestone, LIME, lime, STONE, stone, limestone are found in India. Now, these are name of some of the minerals which are found in our country. That's why it is being told that India has rich deposits of a variety of minerals. And the name of those minerals include manganese, bauxite, mica, copper, gypsum and limestone. Then, minerals should not be wasted, as once they are used, we cannot make them again. Yes, it is very important to conserve, to save and to use these minerals very wisely. वेरी थिंकेबली, मतलब बहुत सोच समझ के हमें इन मिनरल रिसोर्सेज को यूज करना चाहिए. बिकॉज वंस दे विल बी वेस्टेड, वंस दे विल बी फिनिश्ड, वी कैन नॉट मेक देम अगेन. बिकॉज वी हैव स्टडीड दैट दीज मिनरल्स दे आर बींग प्रेजेंट एंड दे आर बींग मेड थ्रू द नेचुरल प्रोसेसेस एंड इट हैज टेकन सेवरल थाउजेंड ईयर्स टू बिल्ड अप दीज मिनरल्स इन साइड द अर्थ क्रस्ट. ओके, सो हमें उन्हें वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार वो यूज हो गए तो हम उन्हें दोबारा नहीं बना सकते. दैट्स वाई मिनरल शुड बी कंजर्व और दे शुड बी यूज वेरी वाइजली. वाइजली का मतलब है यहाँ पे बहुत सोच समझ कर. नाउ कम टू द बुक एक्सरसाइजेस एंड दैट यू हैव टू सॉल्व इन द बुक इटसेल्फ. ओके, सो फर्स्ट इज द चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस. सो व्हाट एवर विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन स्टेटमेंट दैट यू हैव टू पुट टिक. फर्स्ट इज द डैश इज द लार्जेस्ट एंड रिच मिनरल एरिया इन आर कंट्री. तो जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान, रन ऑफ कच्छ, छोटा नागपुर प्लेट्यू. सो इन द चैप्टर वी हैव स्टडीड दैट यस, छोटा नागपुर प्लेट्यू. ओके, छोटे नागपुर की जो पठार हैं वहाँ पे मिनरल डिपॉजिट्स बहुत ज़्यादा हैं. दैट इज वन ऑफ द रिचेस्ट मिनरल डिपॉजिट एरिया इन आर कंट्री.
सो आउट ऑफ दीज फोर ऑप्शन दिस ऑप्शन विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन, दैट इज द छोटा नागपुर प्लेट्यू. नेक्स्ट, द मिनरल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डीप होल्स कॉल्ड पॉन्ड्स माइंस वैलीज, नन ऑफ दीज. सो माइंस विल बी द करेक्ट आंसर. ओके, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि जो हम गहरे गड्ढे करते हैं पृथ्वी में, डीप होल्स और द एक्सकवेशन विच वी डू इन द अर्थ टू टेक आउट टू एक्सट्रैक्ट दीज मिनरल्स, दोज डीप होल्स और एक्सकवेशन आर नोन बाई द टर्म माइंस, MINES. थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटेलिक मिनरल. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट विच वन इज द मेटेलिक मिनरल. वी हैव स्टडीड दैट मेटेलिक मिनरल इज अ मिनरल विच कंटेन मेटल्स. ओके, सो सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, ऑल ऑफ दीज. सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑल ऑफ दीज, बिकॉज सिल्वर इज ऑल्सो अ मेटेलिक मिनरल, गोल्ड, कॉपर, ऑल द थ्री आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मेटेलिक मिनरल. ओके, बिकॉज ऑल द थ्री कम्स इन द कैटेगरी ऑफ मेटेलिक मिनरल्स, दे कंटेन metals, they show the properties of metal. So all of these will be the correct option over here. Fourth, it is an example of a non-metallic mineral. Lead, copper, limestone, silver. So limestone will be the correct answer, because out of all these four, limestone is the only odd one out. It is an example of a non-metallic mineral because it contains non-metals. Okay. Fifth, which of the following is an oil field? Bombay High, Durgapur, Kochi, Baroda. So Bombay High, we have studied that, yes, Bombay High, it is situated in Maharashtra near Mumbai, and it is an example, it is the name of an oil field. So Bombay High will be the correct option for this fifth statement. Now turn the page. Yes, very short answer type questions that you have to complete in your notebook, that I will discuss with you later on. Similarly, the short answer type questions also you have to do in your fair notebook of SST, that I will discuss with you later on. And these boxes, these are wrongly printed over here. Actually, these boxes are meant to be print over here with the true false statement, but by it is a printing mistake. Okay, so ignore it. This is the question answer. Okay, short answer type questions which I will discuss with you, and even question number D I will discuss with you later on. That also you have to complete in your SST notebook, fair notebook. Okay, now come to the question number E. Read the following statements carefully and mark tick on the true and cross on the false one. So this is basically tick and cross type, true and false type questions that you have to do in the book itself. So first is, minerals are uniformly, uniformly means समान रूप से, एक जैसे, दैट इज नोन एज यूनिफॉर्मली. ओके, मिनरल्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है बांटना, इन इंडिया. तो क्या जो हमारे इंडिया में मिनरल डिपॉजिट्स हैं, डिफरेंट वैरायटी ऑफ मिनरल्स प्रेजेंट है, क्या ऑल ओवर इंडिया वो सेम है? जो राजस्थान में मिल रहा है वही पंजाब में मिल रहा है, वही छोटा नागपुर प्लेट्यू में, एंड द सेम मिनरल इज बीइंग फाउंड in the Maharashtra, in the Tamil Nadu? No, it's not like that. Minerals are not uniformly distributed in India. In some of the states, some minerals are present in the rich amount, while in other states, some other types of minerals are present in rich amount. So it is distributed non-uniformly. It is not distributed in the uniform manner. Okay? So this statement will be the false one. Or we will not write false, because in the question it is asking to mark tick and cross, so it will be crossed one. Okay, second, India is rich in iron and manganese. Yes, it is a correct statement. Our country has good grade of iron ore and manganese deposits. So India is rich in iron and manganese deposits. These two minerals are found in our country in a rich amount. Third, coal mines are located in the Himalayan mountains. No, coal mines are not located in the Himalayan mountains. They are located in the Chota Nagpur Plateau region. Fourth, gold is mined in Karnataka state. Yes, it is a correct statement. In Karnataka, we have studied there is Kolar mines where the gold is extracted. We have studied over here that Kolar in Karnataka has deposits of gold. So it is a correct statement. It will be a correct statement. Fifth, India has
अनलिमिटेड, यू एन अन एल आई एम आई टी डी लिमिटेड, अनलिमिटेड सोर्सेस ऑफ पेट्रोलियम. क्या इंडिया के पास अनलिमिटेड मतलब विच कैन नेवर बी फिनिश्ड, मतलब अनलिमिटेड मीन्स मतलब बहुत सारा, टू मच, ठीक है, जिसकी कोई लिमिट ना हो. तो क्या इंडिया के पास अनलिमिटेड सोर्सेस ऑफ पेट्रोलियम है? नो, इट्स नॉट लाइक दैट, इट इज नॉट द फैक्ट. वी हैव पेट्रोलियम डिपॉजिट्स इन असम, इन बॉम्बे हाई, नियर महाराष्ट्र, नियर गुजरात, बट दे आर वेरी लिमिटेड रिसोर्सेज. वो काफी सीमित रूप से हैं, असीमित रूप से नहीं मौजूद है. अनलिमिटेड को प्रॉपर हिंदी में अगर मैं कहूँ तो वो असीमित, मतलब जिसकी कोई सीमा ना हो, कोई बाउंडेशन ना हो, बहुत सारा हो, लार्ज अमाउंट में हो, बिल्कुल जैसे हम जब तक चाहे यूज कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है. दिस इज नॉट द फैक्ट. इंडिया हैज लिमिटेड सोर्सेज ऑफ पेट्रोलियम, और हमें भी दूसरे कंट्रीज से, स्पेशली द सऊदी अरेबिया से, हमें पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल इम्पोर्ट करना पड़ता है टू फुलफिल द नीड ऑफ आर कंट्री, टू फुलफिल द पेट्रोलियम डिमांड और पेट्रोल और फ्यूल डिमांड ऑफ आर कंट्री. ओके, सिक्स्थ, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ माइका इन द वर्ल्ड. सो इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट बिकॉज वी हैव स्टडीड इन द चैप्टर दैट येस, इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज एक्सपोर्टर ऑफ द माइका मिनरल इन ऑल ओवर द वर्ल्ड. सो इट विल बी द करेक्ट स्टेटमेंट. सो नाउ आई हैव डिस्कस्ड विद यू द बुक एक्सरसाइजेस विच इज मेंट टू बी solved in the chapter, in the page, in the book itself. Now I am going to discuss with you the very short answer type questions. Okay, very short answer type questions of this chapter, which you are going to do in your SST fair notebook after completing the keywords of this chapter. First you will write keywords of this chapter in the fair notebook, then you will start the very short answer type questions. Okay, so the first question is, what do you know about the minerals? Aap minerals ke baare mein kya jante ho? So first I have written chapter number, then chapter name, mineral resources, then I have written the heading, very short answer type questions, and then question number one, what do you know about the minerals? Now answer number one. So minerals are resources hidden inside the earth, are also known as underground wealth, and they are created by natural processes. So all these things I have explained you during the explanation part of the chapter also, कि जो minerals है, जो खनिज संपदा है हमारे पास, वो एक ऐसे resources है, एक ऐसे स्रोत है, एक ऐसी संपदा है हमारे पास जो पृथ्वी के अंदर छिपी हुई है, hidden means छिपे हुए, ठीक है, and they are also known as underground wealth. क्यों? क्योंकि they are found inside the earth crust, इसीलिए उन्हें हम underground, underground का मतलब होता है धरती के नीचे, inside the earth crust. Okay, so they are another name for minerals is also the underground wealth, and they are created, और वो कैसे बने हैं? So they are created by natural processes. वो प्राकृतिक तरीके से, प्राकृतिक रूप से बने हैं और वहाँ पे मौजूद हैं, present है inside the earth crust as underground wealth, okay, in the form of mineral ores or mineral resources, okay. Second question is, what is mining? So answer is digging out. D-I-G-G-I-N-G, digging out mineral ores from the earth is called mining. अब ये जो mineral ores हमारी पृथ्वी के अंदर in the form of or as underground wealth present है, तो we will take it out ना, अपने आप तो वो बाहर नहीं आएंगे, we have to take them out, we have to extract them out from there, from inside the earth crust for our various purpose, for our uses. ओके, तो वो जो प्रोसेस है जिससे कि हम इन मिनरल ओर्स को, इन मिनरल्स को धरती के अंदर से निकालते हैं, उसमें डीप होल्स करके, गड्ढे करके, ओके, माइंस बनाकर, उस प्रोसेस को ही हम माइनिंग कहते हैं. तो डिगिंग आउट मतलब बाहर निकालना, टू टेक आउट मिनरल ओर्स फ्रॉम द अर्थ, पृथ्वी के अंदर से, फ्रॉम इनसाइड द अर्थ या फ्रॉम द अर्थ, ओके, इट इज कॉल्ड माइनिंग, इज कॉल्ड माइनिंग. इसी प्रोसेस को माइनिंग कहा जाता है, और जिन होल्स में से, जिन एक्सकेवेशन में से इन मिनरल ओर्स को निकाला जाता है, उन्हें हम माइंस कहते हैं, M-I-N-E-S. थर्ड, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मिनरल्स आर फाउंड ऑन द अर्थ. नाउ बेसिकली यू हैव टू मेंशन द टाइप्स ऑफ मिनरल्स विच वी हैव स्टडीड इन दिस चैप्टर, कि मिनरल्स जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं जो पाए जाते हैं पृथ्वी पे. सो टू टाइप्स ऑफ मिनरल्स आर मेनली फाउंड on the earth. First is the metallic, metallic minerals, and non-metallic minerals.
सो ऑब्वियसली दीज आर द टू बेसिक टाइप्स ऑफ टू बेसिक कैटेगरीज ऑफ मिनरल्स इन विच द मिनरल्स आर कैटेगराइज्ड और मिनरल्स आर क्लासिफाइड. फर्स्ट कैटेगरी इज ऑफ द मेटेलिक मिनरल्स एंड द सेकेंड इज ऑफ नॉन मेटेलिक मिनरल्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉट आर द यूजेस ऑफ द मिनरल्स. Now you have to mention some of the uses of these minerals. As we know, these minerals are having a variety of uses. These minerals are being used on a large scale. So we use a variety of articles made from minerals. In minerals ko use karke hum bahut sare different kinds ke articles, goods ya cheeze, things. Okay, all these are thus giving the sense of this word. Articles means saman. Okay. तो उसे हम गुड्स भी कहते हैं, GOODS या थिंग्स कह सकते हैं. ठीक है, तो वी यूज अ वैरायटी ऑफ आर्टिकल्स. हम अपने लाइफ में, डे टू डे लाइफ में, या इंडस्ट्रीज में या फैक्ट्रीज में, वैरायटी मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स, मशीन्स, मशीनरी पार्ट्स यूज करते हैं जो कि इन मिनरल्स को यूज करके बनाया जाता है, विच आर बींग मैन्युफैक्चर्ड विद द हेल्प ऑफ दीज मिनरल्स लाइक आयरन, कॉपर, ओके एक्सेट्रा. सो फर्स्ट इज कोल एंड पेट्रोलियम, PETRO, पेट्रो LEUM, लियम. कोल एंड पेट्रोलियम आर यूज एज सोर्सेस ऑफ पावर जेनरेशन, मतलब पावर जेनरेट करने के लिए. ठीक है, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए. जेनरेट मीन्स टू प्रोड्यूस, के लिए क्या यूज होता है, विच मिनरल्स वी आर यूजिंग. वी आर यूजिंग कोल एंड पेट्रोलियम. नाउ कोल इज बींग यूज इन द थर्मल पावर स्टेशन to produce thermal electricity, while petroleum is being used to run trains, okay, to run vehicles like buses, car, trucks, motorbikes, ships, etc. So these are the sources of power generation. मतलब ये power generate करती है, ये electricity energy generate करती है, use करती है to run the vehicles, to run the engines, okay. So these are important mineral resources which are helping out, which are utilizing in the field of power generation. Coal is being used in the thermal power station to produce thermal electricity, while petroleum is being used as a fuel in the vehicles, in automobiles. Okay, next is the iron, copper and aluminium are used in making utensils, machines, etc. Now these are the metallic minerals, that is the iron, copper, aluminium. And it is being extensively used in making different types of utensils. Utensils means, again I am telling, बर्तन. आप भी अपने घरों में different types of utensils देखते होंगे, कुछ steel के, कुछ aluminium के, कुछ copper के, and even iron is also used to make some kind of heavy utensils. Okay? और machines, machines के जो part होते हैं, जैसे जो sewing machine होती है, सिलाई की machine होती है, उसकी जो body part होती है, that is made up of iron. Okay? सो डिफरेंट जो मशीन्स होते हैं इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज में, जो लार्ज स्केल, जो बड़े बड़े हैवी मशीन्स यूज होते हैं, टूल्स यूज होते हैं, एग्रीकल्चरल जो टूल्स एंड मशीन्स यूज होते हैं, व्हीकल्स के जो पार्ट बनते हैं, ऑटोमोबाइल्स के जो डिफरेंट पार्ट्स बनते हैं, तो उन सब में इन सारे मेटलिक मिनरल्स का बहुत एक्सटेंसिव यूज होता है. दे आर यूज ऑन अ वाइड स्केल टू मेक डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मशीन्स. ओके, सो दीज आर सम ऑफ द यूजेस ऑफ द मिनरल्स. Now one fifth question is also in the very short answer type question, that is name any one gold deposit region of India. So we know in India the Karnataka state is having Kolar mines where the gold deposits are present. So we will mention that only, that Kolar in Karnataka has deposits of gold. So jo Kolar mines hai Karnataka state mein, wahi pe gold deposits फाइंड आउट होते हैं इन आर कंट्री इंडिया. ओके किड्स, सो इन दिस पार्ट ऑफ दिस चैप्टर एक्सप्लेनेशन वीडियो, दिस बुक एक्सरसाइज एंड वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन ओनली, वट एवर इज द रिमेनिंग पोर्शन, दैट इज शॉर्ट आंसर टाइप प्लस द नेम एनी थ्री प्लेसेज वेयर, दैट इज द क्वेश्चन नंबर डी पार्ट ऑफ योर बुक. ओके, दैट आई विल डिस्कस विथ यू लेटर ऑन इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेनेशन वीडियो. फॉर दिस पार्ट ऑफ दिस क्लास दिस मच ओनली. थैंक यू फॉर द क्लास.